हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे दही कढ़ी यानी बेसन की कढ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे मैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाऊँगी। तो मैंने इसके लिए लिया है, यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, जिसे मैं 7 से 8 चम्मच मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। आप चाहे तो इसे क्वान्टिटी आप कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ी कटोरी मैंने यहाँ पर दही लिया है। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 7 से 8 कड़ी पत्ते, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, जीरा आधी छोटी चम्मच, 2 हरी मिर्च, हींग आधी छोटी चम्मच, कुकिंग ऑयल 2 बड़े चम्मच और यहाँ पर एक गिलास पानी। तो सबसे पहले हम अपने दही को फेंट लेंगे, जिसे मैंने इस लोटे में ट्रांसफ़र कर दिया है दही को। सो हम अपने कढ़ी को इस तरह से पहले अच्छी तरह से फेंट लेंगे इसकी मदद से। ये देखिए, इस तरह से इसे आपको अच्छी तरह फेंटना है। अपने दही को हमें बहुत अच्छी तरह से फेंटना है ताकि उसमें कोई भी लम्स ना रहे। सबसे पहले हम गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा देंगे, जिससे हमारी कढ़ाई गर्म हो जाए। हम उसमें अपनी ऑयल डाल देंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाए, हम इसमें हींग डाल देंगे, जीरा, गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे, कड़ी पत्ते और हरी मिर्च। जैसे ही हमारी इसमें हम बेसन डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसे ही हमारा बेसन थोड़ा सा भुन जाए, उसमें हम नमक और हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे हम। ये देखिए, इस तरह से हमें ध्यान रहना है बेसन का कोई भी लम्स ना रहे, हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है एकदम इस तरह से, ताकि इसके कोई लम्स ना रहे। ये देखिए, इस तरह से जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा बेसन भुन चुका है। मैंने इसे 5 से 6 मिनट अलग के लिए बहुत अच्छी तरह से भुना है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी डाल जब हम इसे चलाते रहना है, ताकि इसके कोई भी लम्स ना बने इस तरह से। देखिए, इस तरह से हमें पानी ऐड करने के बाद कंटिन्यूस चलाते रहना है, ताकि इसमें कोई लम्स ना आए। ये देखिए, पानी आप बीच बीच में इसमें ऐड कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, अभी स्टेज पे हम अपने दही ऐड कर देंगे, फेंटी हुई दही। इसे भी हमें कंटिन्यूस चलाते रहना है। ये देखिए, इस तरह से दही डालने के बाद भी हमें इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। मेक श्योर करेंगे इसमें बेसन की कोई भी लम्स ना रहे। और याद रखिएगा, आप अपना गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा जब आप बेसन भून रहे हैं। तो बेसन भूनने के बाद आप पानी ऐड करिएगा, दही आप बाद में डालिएगा। आप गरम गरम बेसन में दही डाल देंगे तो आपकी दही फट सकती है। पानी का ध्यान अपने अपने मेजरमेंट से कर सकते हैं। जैसे आपको अगर कढ़ी गाढ़ी पसंद हो तो आप पानी कम यूज़ करें, अगर आपको कढ़ी पतली पसंद है तो आप पानी ज़्यादा यूज़ करें। अब हम अपने कढ़ी पर एक उबाल आने देंगे, उसके बाद हमारी कढ़ी रेडी हो जाएगा। अब अपने कढ़ी को एक उबाल आने देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी कढ़ी उबल चुकी है, उबाल आ गया है हमारी कढ़ी में। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपनी कढ़ी को गर्मा गर्म स्टीम राइस के साथ सर्व कर दिया है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। मेरी बाकी वीडियोज़ देखने के लिए आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। सो टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट केयर एंड बाय बाय।